रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। वर्ष 2050 में मुंबई कुछ ऐसी दिखाई देगी, जिस तरह से समय बढ़ता जा रहा है उसी तरह से टेक्नोलॉजी भी बढ़ती जा रही है तथा हमारे प्राकृतिक संसाधन भी सीमित होते जा रहे हैं, जैसे कि तेल की कमी और पानी की कमी। हाल ही में हमने साउथ अफ्रीका में पानी की कमी को देखा। ऐसा कहा जा रहा है कि जब भी तृतीय विश्व युद्ध होगा वह पानी के लिए होगा, क्योंकि पृथ्वी पर सभी संसाधन सीमित हैं तथा यह सभी संसाधन धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। इनमें से एक पानी भी है। आने वाले समय में पानी संपूर्ण विश्व की सबसे बड़ी समस्या बनकर आने वाला है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, गर्मी बढ़ती जा रही है, पानी के स्रोत सूखते जा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बीच नदी पर बनने वाले बांध को लेकर बहस जारी है, अर्थात कुल मिलाकर पानी को लेकर ही विश्व युद्ध होने के आसार है। अगर विश्व युद्ध होता है तो यह इस पृथ्वी पर लगभग 70% जनता को खत्म कर देगा, क्योंकि अब लगभग सभी देशों के पास परमाणु शक्ति है। इस विश्व युद्ध के पश्चात हमारे पास टेक्नोलॉजी तो होगी परंतु हमारे पास संसाधनों की कमी होगी, इसलिए हम हमारे पुराने संसाधनों में ही नई टेक्नोलॉजी जोड़कर उन्हें उन्नत करने का प्रयास करेंगे, जैसा कि आप इन सभी फोटोज में देख रहे हैं। गाड़ियों में ही प्लेन के इंजन लगाए जाएंगे ताकि